पागल रिक्शा ड्राइवर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरो पाकिस्तानी। अगर आप इस कहानी का असल मजा लेना चाहते हैं तो फिर इसका फर्स्ट पार्ट पागल बस ड्राइवर भी जरूर देखें, जिसमें मैंने बड़े मजे मजे की शरारतें की हैं। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद ऐसे ही चुप करके पतली गली से ना निकल जाना। जाने से पहले पॉपकॉर्न कहानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बैठो इधर आराम से, बस ड्राइवर बनेंगे जनाब। अगर मैं ना होता तो लोग तुम्हें मार मार के बंदर बना देते। क्या बात करते हो भाई, बंदर तो मैंने उस दूल्हे को बनाया था, बेचारे को शादी वाले दिन ही दरख्त से लटका दिया। बड़े दांत निकल रहे हैं, अगर टाइम पे ना पहुंचा होता तो यही दांत वहाँ सड़क पर पड़े होते। अब बैठो यहाँ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। राहिल के वॉशरूम में जाते ही असद ने जल्दी जल्दी बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और बोला, अब तुम बैठो और मैं जरा गांव का चक्कर लगा कर आया। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। खोलो दरवाजा, मैं कहता हूँ खोलो इसे। हाँ हाँ, देखा जाएगा, खोलो दरवाजा। ये कहकर असद गांव के मशहूर समोसे वाले के पास आन पहुंचा और बोला, यार जरा एक समोसा तो चेक करवाना। बिस्मिल्लाह जी, ये लें। भाई वाह, क्या बात है, जरा ये साइड वाला भी चेक करवाना। खाएं जी खाएं, जितना दिल चाहे खाएं, आप ही की तो रेड़ी है। ये सुनकर असद साहब बहुत खुश हुए और इसी आप ही की रेड़ी है के चक्कर में 15 समोसे रगड़ गए। भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया, अपने समोसों की रेड़ी का तो जायका ही लाजवाब है। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, और खा लें, आप ही के लिए तो हैं। अरे नहीं नहीं, मैं जरा डाइटिंग पर हूँ। 10 रुपए के हिसाब से 150 रुपए हुए आपके। अरे भाई, अपनी ही रेड़ी है, क्या हिसाब किताब करना, रख लो फिर कभी ले लूंगा। ये कहकर असद वहाँ से चलता बना और करीम वहीं सर को खुजाता खड़ा सोचता ही रह गया। 15 समोसे खाने के बाद असद सीधा असलम के चाय वाले खोखे पर पहुंचा। और भाई असलम, जरा एक चाय तो पिलाना। एक छोड़े दो पिए, आपकी अपनी ही तो दुकान है। ओ हाँ, अपनी ही तो दुकान है, चलो जरा पीछे हटो, आज मैं खुद चाय बनाता हूँ। ये कहकर चाय बनाना शुरू की तो चीनी की जगह अपनी जेब से एक पुड़िया निकाल कर चाय में डालने लगा। अरे ये क्या डाल रहे हो, चीनी तो सामने पड़ी है। ये एक खास किस्म की चीनी है जनाब, मजा ना आए तो पैसे वापस। एक ही कप में जन्नत की हूरे नजर आने लगती हैं। क्या क्या कहा, जन्नत की हूरे? जी हाँ, और जितने ज्यादा कप उतनी ज्यादा हूरे। अरे वाह, तो जल्दी जल्दी बनाए, मुझसे तो अब सबर नहीं हो रहा। ये लो बस बन गई, गरम गरम चाय का मजा लो। चाय पीते साथ ही असलम सर पकड़कर बैठ गया। जनाब हूरे तो नहीं, मगर दुनिया जरूर घूमती नजर आ रही है। अरे यही तो पहली मंजिल है, बस थोड़ा और सबर करो, हूरे अभी आती ही होंगी। और इतने में असलम बेहोश हो गया। असलम को बेहोश देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से एक बोला, अरे ये असलम को क्या हुआ? मैं तो सिर्फ हूरे दिखा रहा था, ये जनाब तो उनके साथ ही निकल लिए। लेकिन आप लोग बिल्कुल फिकर ना करें, इसका इलाज है मेरे पास, बस आप लोग जल्दी से एक रिक्शा मंगवा दें। इतने में एक रिक्शा लेडी सवारी को लिए वहाँ आकर रुका। भाई यहाँ क्या बट रहा है,
इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हुरे बक रही है, हुरे, आ जाओ तुम भी ले लो। ये जरा पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसे हुरे दिखने की बीमारी है। ओ अच्छा, अगर मेरे साथ तो एक लेडीज सवारी है। तो क्या हुआ जनाब, आप मरीज को लेकर लेडीज सवारी के साथ बैठ जाएं, मैं रिक्शा चला लेता हूँ। ये क्या बात हुई भला? अरे आप फिक्र ना करें, मैं एक मशहूर बस ड्राइवर हूँ। रिक्शा चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आप मरीज को लेकर जल्दी बैठ जाओ, मैं जरा जल्दी में हूँ। आंटी थोड़ी सी जगह दे दें, बेचारे को हो रहे नजर आ रही है। मेंढक की आंखों वाले, मैं तुम्हें किस एंगल से आंटी लगती हूँ? इतने में असलम को होश आया तो उसकी नजर उस लेडीज सवारी पर पड़ी। अरे वाह, मुझे तो हूर नजर आ रही है, मैं क्या जन्नत में हूँ। हाउ क्यूट, हाय कितना मासूम है ये, जल्दी बिठाओ इसे रिक्शे में। मैं भी तो यही कह रहा था। उन दोनों के रिक्शे में बैठते ही असद ने रिक्शे को फुल रेस दी तो रिक्शा वन व्हीलिंग करने लगा और रिक्शे में बैठे सभी लोगों की चीखें निकल गईं। मेंढक की आंखों वाले, रिक्शा आराम से चलाओ, नहीं तो यही उल्टी कर दूंगी। अरे अब आप उल्टी करें या सीधी, रिक्शा स्लो नहीं होने वाला। अरे फिकर की कोई बात नहीं, मैं बस चलाने से पहले हवाई जहाज का पायलट था। ओ भाई, मुझे तो तुम पायलट कम मौत के कुएं में बाइक चलाने वाले ज्यादा लग रहे हो। ओ अच्छा अच्छा, वो काम तो मैंने पिछले साल पागल खाने से भागने के बाद किया था। मुझे तो हूर नजर आ रही है। जैसे ही हॉस्पिटल के स्टाफ ने असद को देखा तो भाग कर उसे दबोच लिया। अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हूरों वाला मरीज तो पीछे है, वो पागल है, मैं नहीं। हाँ हाँ, हर पागल यही कहता है, पकड़ो इसे पकड़ो, पिछली बार भी यही कहकर भाग गया था ये। बहुत भाग लिया बच्चू, अब नहीं भागने वाले तुम यहाँ से।